हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, एएफसी चैंपियंस लीग और एएफसी कप्स के स्लॉट्स हमें मिल चुके हैं, इंडिया को मिल चुके हैं। एंड यस, आज उसी के बारे में बात करेंगे। और यस, कल ही एआईएफएफ ने ये सब रिपोर्ट्स निकाला था भाई कि कैसा होगा, कैसा सीनारियोज हो गए, कौन किसके साथ खेलेगा। और जब भी मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए मैंने टाइम लेके पढ़ा उसको, समझा। एंड यस, मैं आ चुका हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे एएफसी के कौन से क्लब्स को इंडियन फुटबॉल के कौन से क्लब्स को चांसेस है इसमें जाने के लिए और क्वालिफाई खेलने के लिए। सो यस, तीन सीनारियोज है, तीन स्लॉट्स मिले हमें, मतलब एएफसी ने हम लोग को तीन स्लॉट्स दिए और तीनों स्लॉट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो कल ही न्यूज आई है और न्यूज ये बोलती है कि द क्वालिफायर्स फॉर द एएफसी कंपटीशन 2023-24 फॉर द इंडियन क्लब्स आर टू बी प्लेड बिटवीन अप्रैल 4 टू मई 3 2023। द फेडरेशन अनाउंस ऑन ट्यूजडे मार्च 14, यानी कि कल, मतलब कल परसों, द एशियन फुटबॉल फेडरेशन एएफसी हैज अलोकेटेड थ्री स्लॉट्स टू इंडिया, वन इन द एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज एंड वन इन द एएफसी कप ग्रुप स्टेज एंड वन स्लॉट फॉर एएफसी कप फॉर क्वालिफायर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, ये एएफसी चैंपियंस लीग और एएफसी कप, ये मुझे खुद कंफ्यूजन था, लेकिन मैंने मेरे जो हमारे कंटेंट क्रिएटर भाई जो है हमारे हिरन भाई, तो उनसे पूछा, तो एएफसी चैंपियंस लीग मतलब यूएफए चैंपियंस लीग अपना, और एएफसी कप मतलब यूरोपा लीग, ठीक है। तो ये दो आप समझ रहे हो ना, आप यूरोपियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से समझो तो ये आपको थोड़ा इजी होगा, ठीक है। तो अभी बात करें स्लॉट वन के बारे में कि स्लॉट वन क्या कहता है। तो स्लॉट वन ये कहता है कि ये स्लॉट वन एएफसी चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज के लिए, तो एएफसी चैंपियंस लीग का जो ग्रुप स्टेज होगा उसमें उसके लिए ये स्लॉट वन है। तो द विनर्स ऑफ द हीरो इंडियन सुपर लीग शील्ड 2021-22 सीजन जो जमशेदपुर थी, एंड द विनर्स ऑफ द सेम इन द 22-23 सीजन जो कि मुंबई सिटी आज, मतलब ये सीजन, विल फाइट इट इन अ वन ऑफ मैच ऑन अप्रैल 4, 2023। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन द मैचेस ऑफ द हीरो सुपर कप विद फर्दर डिटेल्स टू फॉलो इन लेटर अपडेट्स। द विनर्स ऑफ दिस गेम विल गेट अ डायरेक्ट स्लॉट इन द एएफसी चैंपियंस लीग 2023-24 ग्रुप स्टेज। तो दो जो मतलब ये साल के और लास्ट साल के जो शील्ड विनर्स है, लास्ट साल आपको पता है जमशेदपुर थी, ये साल मुंबई सिटी थी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे अप्रैल 4 को, और मैच के डिटेल्स तो ऑब्वियसली आगे आ जाएंगे। तो अगर ये दो में से जो भी जीतता है, आप सब बोल सकते हो कि भाई मुंबई सिटी अभी फॉर्म में है तो मुंबई सिटी ही जीतेगी, मतलब दे आर द फेवरेट्स, बट अगर ये दोनों टीम में से जो जीतेगी उनको एक डायरेक्ट स्पॉट मिलेगा, एक डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा ये एएफसी चैंपियंस लीग के जो ग्रुप स्टेज है उसको, तो काफी अच्छा है। और ये अगर आप मेरे को पूछेगा तो भाई आप किसको भी पूछ रहे हो तो आप चाहोगे मुंबई सिटी को, बिकॉज मुंबई सिटी के पास प्लेयर्स भी है, कॉन्फिडेंस भी है, मतलब वो कल उसके मोमेंटम है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, नो डिसरिस्पेक्ट टू जमशेदपुर, बट ये मुंबई सिटी के पास अच्छा मोमेंटम है और रिदम है, और वो लोग जाके मतलब ग्रुप स्टेज में या फिर एएफसी चैंपियंस लीग में अच्छा कर सकते हैं, जमशेदपुर भी कर सकते हैं, बट यार उनके यार वो जो कोर प्लेयर्स है ना वो निकल गए, तो इसलिए मैं फेवर करूंगा मुंबई सिटी को, बट जमशेदपुर भी कम नहीं है भाई ऑब्वियसली। और हमारा एक ही मोटिव है भाई कि एएफसी चैंपियंस लीग के जो है वहां पर हमारी कोई भी इंडियन टीम हो वो अच्छा परफॉर्म करे, वेदर इट बी मुंबई सिटी और जमशेदपुर एफसी, ठीक है। तो ये स्लॉट वन का तो ही है, स्लॉट वन आपके लिए भी इजी था, मेरे लिए भी इजी था। अब बात करेंगे स्लॉट टू के बारे में। तो स्लॉट टू ये है एएफसी कप ग्रुप स्टेज के लिए, तो एएफसी कप जैसे यूरोपा लीग उसका जो ग्रुप स्टेज है उसके लिए है। तो दिस स्लॉट विल बी डिटरमाइंड बिटवीन द विनर्स ऑफ द हीरो आई लीग 21-22। तो लास्ट सीजन की जो हीरो आई लीग के जो विनर्स थे गोकुलम केरला एफसी एंड द विनर्स ऑफ द हीरो सुपर कप 2023। तो सुपर कप अभी जो अप्रैल में खेला जाएगा तो उसके विनर्स, ठीक है। तो ये मैच होगा ये जो सुपर कप के जो ये अभी जो सुपर कप ऑर्गेनाइज होगा उसके विनर्स और लास्ट ईयर के आई लीग के विनर्स गोकुलम केरला एफसी, ये दोनों के बीच में मैच होगा। आगे ये लिखा है, If the winners of the Hero Super Cup, have already qualified for the स्लॉट वन, तो अभी अगर समझो हीरो सुपर कप के जो विनर है वो ऑलरेडी जैसे कि क्वालिफाई हो गया, ठीक है, देन गोकुलम केरला एफसी विल गेट एन ऑटोमेटिक स्पॉट इन द एएफसी कप 2023-24 ग्रुप स्टेज। तो अगर समझो हीरो सुपर कप अगर हीरो मतलब वहां पर मुंबई सिटी जीत गए और मतलब वो फर्स्ट वाला स्लॉट में, और यहाँ पर स्लॉट टू में भी मतलब स्लॉट टू में ऐसे लिखा है जो हीरो सुपर कप है 2023, तो अगर समझो हीरो सुपर कप मुंबई सिटी जीत जाती है तो इसका अंतर ये होगा कि मुंबई सिटी और गोकुलम केरला खेलेगी, लेकिन मुंबई सिटी तो पहले से क्वालिफाई है, तो ये केस में कि ये केस में गोकुलम केरला एफसी उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा एएफसी ग्रुप स्टेज के लिए, ठीक है। ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देके आप समझ सके, ठीक है। तो ये भी है, और द क्वालिफायर मैच फॉर स्लॉट टू अगर जरूरत पड़ा तो वो 29 अप्रैल को खेला जाएगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो 29 अप्रैल को खेला जाएगा। तो ये स्लॉट टू और स्लॉट वन तो काफी अच्छे थे, मैंने आपको आई होप करता हूं कि समझा दिया रहेगा, आपको भी समझ गया रहेगा। बात करेंगे स्लॉट थ्री के बारे में। तो स्लॉट थ्री ये कहता है कि एएफसी का प्रिलिमिनरी राउंड, ठीक है, तो दिस स्लॉट
दिस स्लॉट विल बी डिसाइडेड बिटवीन द विनर्स ऑफ द लास्ट सीजन आईएसएल के. आईएसएल के जो लास्ट सीजन के विनर्स है आप सभी को पता है हैदराबाद एफसी एंड द हीरो आईएसएल. ये सीजन के जो विनर्स होंगे वेदर इट बी बेंगलुरु एफसी और एटीके मोहनबगान. तो ये दोनों के बीच में ये मैच होगा ठीक है. और अगर समझो अगर हैदराबाद एफसी ऑलरेडी क्वालिफाइड, अगर स्लॉट टू के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाती है ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन मैच फॉर स्लॉट थ्री विल नॉट बी रिक्वायर्ड. तो स्लॉट थ्री का क्वालिफिकेशन और नेम मतलब क्या इसको इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड. और जो विनर ऑफ द मतलब जो ये साल के जो विनर्स रहेंगे वो स्लॉट ले लेंगे एएफसी प्रीलिमिनरी राउंड के लिए ठीक है. तो अगर हम जो हैदराबाद एफसी है यहाँ पर ठीक है, हैदराबाद एफसी पहले से क्वालिफाई हो जाती है एंड देन फिर बाद में ये स्लॉट ये मैचेस नहीं होंगे, तो जो ये साल का जो विनर है ना उनको डायरेक्टली प्रीलिमिनरी राउंड का जो स्लॉट है वो मिल जाएगा ओके. और अगर इफ द विनर्स ऑफ द हीरो आईएसएल ट्रॉफी ये सीजन के ठीक हैव ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर द स्लॉट टू देन अ क्वालिफाइंग मैच फॉर स्लॉट थ्री विल नॉट बी रिक्वायर्ड. तो अगर समझो ये साल के जो भी विनर्स है वो अगर उनको वो लोग क्वालिफिकेशन हो गए रहेंगे तो ये जो स्लॉट थ्री का ना इसका जंजर मैंने नहीं देगा ठीक है. स्लॉट थ्री के मैचेस होंगे नहीं. तो इन शॉर्ट ये है द क्वालिफाइंग मैच फॉर स्लॉट थ्री शुड इट बी रिक्वायर्ड विल बी प्लेड ऑन मैच. तो अगर समझो स्लॉट थ्री के जरूरत पड़ी हमें तो ये मैच थ्री को खेला जाएगा एज डिसाइडेड बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दैट इज AIFF ठीक है. तो ये तीन स्लॉट से गाइस मतलब एएफसी ने हमारे लिए तीन स्लॉट्स दिए थे इंडिया के. और मैंने आप एक एक करके सोल्यूशन मतलब क्या होता है एक एक करके स्लॉट का जो क्वालिफिकेशन है जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है. और जैसे कि मैंने बोला भाई होपफुली एक अच्छा हाँ मतलब ये जो राउंड होने के बाद तो अच्छी अच्छी टीम्स हमारे एएफसी कप चैंपियंस लीग और सुपर कप मतलब एएफसी कप के लिए जाए एंड अच्छे से परफॉर्म करे. सो आई होप मतलब इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा. आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या विचार ये टॉपिक के ऊपर एंड आपको क्या लगता है भाई मतलब कैसे होगा. और देखो भाई अब तो ऐसा है कि भाई अब तो जो भी इंडियन न्यूज आती है इंडियन फुटबॉल की जो भी न्यूज आती है आई रियली गेट्स एक्साइटेड. मतलब मैं एक्साइटेड हो ही जाता हूँ वेदर इट बी जो नेशनल मैचेस अभी हीरो ट्राई नेशन टूर्नामेंट फिर सुपर कप है फिर अभी ये है. तो ऐसे मतलब इंडियन फुटबॉल में ऐसी ऐसी चीज होती रही ना हर महीना कुछ ना कुछ तो काफी मजा आता है. एंड यस मैं एक चीज बोलता हूँ गाइस जो 2023 ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए. चाहे आप बात करो मेन सीनियर टीम वुमेन सीनियर टीम आप अंडर 17 बात करो क्योंकि भर भर के कॉम्पिटिशन है वेदर इट बी अंडर 17 अंडर 20 अंडर 19 सीनियर टीम्स ठीक है. तो काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए एंड काफी मजा आने वाला है इंडियन फुटबॉल फैंस जो ओजी है कट्टर वाले जो फॉलो करते हैं. तो यस आई होप करता आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो डू शेयर विद इंडियन फुटबॉल फैंस एंड विद एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड. मिलेंगे एक और नए वीडियो में. जब तक आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिए. बाय बाय टेक केयर. और इसी तरह हम लोग फुटबॉल इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करेंगे. लेट्स गो इंडियन फुटबॉल.